दोस्तों नेपाल लगातार भारत की नाक में दम किए हुए है और ताजा मामले में दोस्तों उसने एक और जगह पर अपना दावा मजबूत कर दिया है और बिहार के लोगों की एंट्री बैन कर दी है। इतना ही नहीं, नेपाल ने भारत पर बाण से अटैक करने का भी प्लान तैयार कर लिया है। क्या है पूरा मामला दोस्तों, जानते हैं इनसाइडर से जो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जी हाँ बताएं। जी हाँ, जिस दिन से नेपाल ने भारत को तेवर दिखाने शुरू किए हैं, ये डे बाय डे लगातार तल्खी होते जा रहे हैं। फिर चाहे वो भारत के साथ नक्शे को लेकर विवाद हो, जिसे उसने अपने पार्लियामेंट में पास कराया, इसके बाद भले ही वो भारत के ऊपर, भारत के नागरिकों के ऊपर शूटिंग का मामला हो, और फिर चाहे वो जो ताज़ा मामले में रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से वो भारत में जो भी लड़की अब शादी करके नेपाल जाएगी उसे 7 साल तक की इंतज़ार करना होगा नेपाल की नागरिकता लेने को लेकर। लेकिन ताज़े मामले में उसने एक और कदम अब आगे चल दिया है, जिसके बाद भारत में जो बिहार में जो गाँव हैं, जो वहाँ पर लोग रहते हैं, उनकी मुश्किलें भविष्य में काफ़ी बढ़ने वाली है। यानी एक तरीके से उसने भारत पर एक और दावा जो है वो पेश कर दिया है कि इस इलाके में भी अब आपकी नाक में हम दम करके रहेंगे। अब हुआ क्या है ताज़े मामले में, वो आपको बता देता हूँ आकाश। दरअसल आकाश, भारत और नेपाल की जो पूरी सीमा है वो तकरीबन 1800 किलोमीटर की है, यानी कि 1751 किलोमीटर की है। मोटा मोटी अगर माने तो 1800 किलोमीटर की सीमा है, जो कि भारत के 5 राज्यों से छूती है, जिसमें उत्तराखंड शामिल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और साथ ही सिक्किम है। लेकिन जो समस्या इस बार खड़ी हो रही है वो बिहार में खड़ी हो रही है, जबकि इससे पहले लेपुधेरा और बाकी जो मैप को लेकर विवाद था वो था उत्तराखंड के इलाके में। अब बिहार में क्या हो रहा है, दरअसल होता क्या है आकाश कि नेपाल से ऐसे तो कई सारी नदियाँ आती हैं, लेकिन 3 मुख्य नदियाँ जो हैं वो नेपाल से भारत में आती हैं, खासतौर पर बिहार में आती हैं, जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसमें एक है कोसी, दूसरी है गंडक और तीसरी है करनाली। और ये जो नई समस्या जो नेपाल खड़ी कर रहा है भारत के लिए, वो गंडक नदी को लेकर खड़ा कर रहा है। अब दरअसल आकाश समस्या ये है कि गंडक नदी का पानी जब बारिश में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसे रोकने के लिए कोई परमानेंट डैम की व्यवस्था नहीं है। अब ये बराज जो है, जो आप देख रहे हैं, ये बना रखा है भारत ने, जिसके 18 गेट जो हैं वो नेपाल में खुलते हैं और बाकी के गेट जो हैं वो भारत में खुलते हैं। अब इस बराज के साथ समस्या ये है कि सीजनल रिपेयर इसका करना पड़ता है हर बार। इससे पहले तक क्या होता आया है कि भारत के जो इंजीनियर्स हैं वो बड़ी आसानी से उधर जाकर वहाँ पर ये रिपेयर वर्क कंप्लीट कर लेते थे, जिसकी वजह से बारिश होने की सूरत में जब ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाएगा तो बाढ़ की स्थिति जो पैदा होगी तो वो बराज जो है उसको कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में नेपाल ने क्या किया है कि भारतीय इंजीनियर्स को उधर आने से रोक दिया है, जिसकी वजह से बिहार के जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं उनको इससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब वो आशंका जता रहे हैं कि अगर ये समस्या वक्त रहते नहीं सुलझाएगी तो मुमकिन है भविष्य में बिहार के कई गांवों में बाढ़ के हालात पैदा हो जाएं, बाढ़ आ जाए, इससे भारी संख्या में जान माल का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा लाल बेकाया रिवर भी है, उसे लेकर भी सेम परिस्थितियां जो है नेपाल भारत के सामने पैदा कर रहा है। हालांकि इसके अलावा अगर आपको बता दें तो नेपाल लगातार भारत के साथ जो भी सीमाएं उसकी जिस जगह पे हैं उन्हें लगातार वो क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। पहले होता था कि आसानी से लोग आ जा सकते थे, लेकिन अब नेपाल लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत के साथ जो भी सीमाएं हैं उन्हें रोका जाए, और इसी सिलसिले में वो हर जगह जो है अपने सोल्जर्स की तैनाती अब कर रहा है, जो कि इससे पहले कभी नहीं होती थी। दिलचस्प बात आकाश यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सोल्जर्स की तैनाती हो रही है, लगातार ये बातें कही जा रही है कि चाइना इसके पीछे है, लेकिन अगर एक बात आप गौर करें तो जिन सोल्जर्स की तैनाती हो रही है और सोल्जर्स की तैनाती के बाद वो सोल्जर्स सरहद पर जिन टेंटों में बैठे हुए हैं वो टेंट चाइना की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें चाइनीज टेंट्स में नेपाली सैनिक जो हैं वो बैठकर भारत की सरहद के साथ में जो ड्यूटी है वो कर रहे हैं। अब एक और बड़ी चीज नेपाल ने क्या किया है, मैप वाले मामले में लिपुलेख, कालापानी और लेम्पाधुरा, इन तीनों के जो भी वेदर अपडेट्स हैं अब नेपाल रेडियो अपने वहां पर दे रहा है। यानी जो काम भारत ने पीओके को लेकर किया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर किया, कि भारत ने दूरदर्शन पर या ऑल इंडिया रेडियो पर वहां के जो भी वेदर अपडेट्स हैं पीओके के, उसी तरीके से नेपाल ने अब लिपुलेख, कालापानी और लेम्पाधुरा जो जगह है उन्हें लेकर अपने रेडियो पर उसका प्रसारण करना शुरू कर दिया है। अब इसको इसी तरीके से लोग कहेंगे कि भारत से ही सीखकर अब भारत को ही नेपाल जो है वो राजनीति करना सिखा रहा है, भारत के खिलाफ अब पानी छोड़ने, यानी कि जो बाढ़ और पानी वाली जो परिस्थितियां होती हैं वो एक कदम जो बाकी रह गया था, अब उस परिस्थिति पे जाकर भी नेपाल भारत को छकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में भारत क्या कर रहा है, क्योंकि जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं वो अब जाके जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसमें जाकर इस समस्या अपनी बताएंगे, क्योंकि उनका यह कहना है कि इससे पहले इस तरह की परिस्थितियां कभी पैदा नहीं हुई, ये परिस्थितियां अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। यानी कि नेपाल जो है अब भारत से उलझने का मन पूरी तरीके से बना चुका है,
बड़ी बात क्या भारत पर क्या कर रहा है। भारत का बयान जो अभी तक नेपाल को लेकर लगातार आया है, चाहे वो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता हो अनुराग या फिर खुद राजनाथ सिंह हो रक्षा मंत्री, उन्होंने भी हमेशा यही कहा है कि नेपाल तो हमारा छोटा भाई है, उससे हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है और उसके साथ में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन ये छोटा भाई का जो रुतबा दिया हुआ है नेपाल को भारत ने, नेपाल लगातार एक उतावलापन दिखा रहा है अपने व्यवहार से। अब भारत के हक में क्या क्या है कि जानकार ये मानते हैं कि भारत के पास नेपाल को सबक सिखाने के लिए कोई छोटा कदम मौजूद नहीं है। जब भी कोई कदम भारत उठाएगा वो नेपाल के लिए विनाशकारी हो सकता है, एक बड़ी क्षति लेकर आ सकता है। कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें नेपाल पूरी तरीके से भारत पर डिपेंडेंट है। कई सारे नेपाल के लोग जो हैं भारत में काम करते हैं और यहाँ से पैसे कमाकर वापस नेपाल में भेजते हैं और एक बड़ा हिस्सा जो है वो नेपाल की इकोनॉमी में भारत के पैसे का कहा जा सकता है एक तरीके से। इसके अलावा भारत के सामने दूसरा विकल्प ये बताया जा रहा है कि या तो भारत इंतजार करे कि जो नेपाल की जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है उनके चुनाव हो भविष्य में और वो सरकार बदले, उसके बाद नई सरकार जो आए वो भारत के साथ नए रिश्तों को लेकर चले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत के कदम का यहाँ पर जरूर इंतजार रहेगा। लेकिन चीन यहाँ पर पूरी तरीके से, पाकिस्तान तो उसके गोद में है ही, नेपाल को भी अपने अंडर में कर ही चुका है। और एक और बात जो खतरनाक आपको बता दूं कि बांग्लादेश को भी अब वो लुभाने में लगा हुआ है, यानी कि भारत को लगातार वो तीन तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है किस तरीके से भारत को दबाया जाए इस रीजन में। लेकिन अब भारत नेपाल का क्या करने वाला है इस चीज का इंतजार जरूर रहेगा। वाकई दोस्तों अब इंतजार भारत के कदम का रहेगा कि भारत अब इस मामले में क्या करने वाला है, क्योंकि अब तक वो लगातार इस विवाद को इग्नोर करते रहा है। आप बताएं दोस्तों भारत क्या कदम लेने वाला है, कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर बताएं। हमारे इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।